नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरकाबाद से। चोरों ने देर रात स्पेयर पार्ट की दुकान को बनाया अपना निशाना। चोरों ने लाखों का सामान स्पेयर पार्ट्स की दुकान से किया पार। खबर फरकाबाद से। सीता पुलिस देती रही मेन रोडों पर गश्त। चोर चोरी करने में लगे रहे बेखौफ। चोरों ने फरकाबाद कायमगंज बाईपास पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, जनरेटर के मोटर आदि बड़ी तादाद में सामान चुराकर हुए फरार। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के बाईपास का पूरा मामला, जहां पर चोरों ने देर रात स्पेयर पार्ट्स की दुकान को अपना निशाना बनाया और सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। रिपोर्ट रघुवंश दुबे। क्या नाम है? सुरेश लाल। सुरेश, क्या घटना हुई आपके दुकान पे? चोरों ने क्या, जैसे हम दुकान पे आते हैं 9:30 बजे, वैसे ही दुकान पे आए। शीशम के पेड़ कटे हुए लगे हमारी दुकान के सामने, शटर के पास लगे थे। शटर के पास में घेरा बना के बिल्कुल। जब हमने निगाह गई तो हमने देखा ताले कटे पड़े हुए थे। तो हमने देखा, हमने लड़का था हमारा साड़ू लड़का, हमने कहा उससे जो ताले कट गए इसकी चोरी हो गई दुकान की। जब अंदर जाके हमने देखा तो देखा कि दोनों जनरेटर में मोटर नहीं थे, मोटर पर उनका एंटीएटर दोनों। और क्या क्या चोरी हुआ? गैस सिलेंडर था बड़ा वाला, इन्वेटर वाला बैटरा था, और कुर्सियाँ थी, बल्ला थे, लोहे के पैप थे, और मोटरसाइकिल का सामान था, और गाड़ियों का सामान खराब हुआ था, नया दिल्ली से मंगवाया था वो था। कितने तक, कितने लाख की चोरी हो गई होगी, नुकसान हुआ? लगभग 1.5-2 लाख की हो गई। 1.5 लाख की चोरी हुई। आपने एप्लीकेशन दे दी? एप्लीकेशन दे दी। आपके आसपास सीसीटीवी कैमरे में कहीं दिखाई पड़े? आए उसका क्या नाम, उसका वर्मा वर्मा में ये पंपे भी है।